एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अ डिटेल टूर एंड रिव्यू ऑफ सिम्फनी पाम्स बीच रिसोर्ट, जहाँ पे हम रुके थे हैवलॉक में। हैवलॉक जेटी से सिम्फनी पाम्स बीच रिसोर्ट करीब 3.3 किलोमीटर का था। 6 to 7 minutes लगे हमें गाड़ी में पहुँचने में। गोविंद नगर बीच पे लोकेटेड है ये रिसोर्ट। रस्ते के दोनों साइड में ही ये प्रॉपर्टी है। तो चलिए अभी चलते हैं रिसेप्शन की तरफ। रिसोर्ट एंटर करते ही आपको रिसेप्शन का बोर्ड दिख जाएगा एंड देन यू एंटर द ह्यूज रिसेप्शन। यहाँ पे बैठने की भी जगह है। दे विल वेलकम यू विद अ वेलकम ड्रिंक। इसका डेकोर बहुत ही बीची, बहुत ही रस्टिक। रिसेप्शन से निकल के यू विल सी अ सीरीज ऑफ गार्डन फेसिंग कॉटेजेस, उसमें से एक में जहाँ पे हम रुके थे। बट उससे पहले हम जाएंगे ये पाथ जहाँ पे एंड होता है टू अ बिल्डिंग। ये एक टू स्टोरेड बिल्डिंग है जहाँ पे द कासा ग्रैंड और हैवलॉक कासा रूम्स आर देयर। तो चलिए लेट मी शो यू हाउ द कासा रूम्स लुक लाइक। दिस इज कासा ग्रैंड, वेरी ब्राइट रूम। यहाँ पे दे हैव टी कॉफी का अरेंजमेंट। यहाँ पे दे हैव अ कबर्ड, अ मिरर, एंड दिस इज हाउ द बेड लुक्स। तो अभी आई विल शो यू द वॉशरूम। सो दिस इज अ वॉशरूम। वॉशरूम इज प्रीटी बेसिक। टॉयलेटरीज वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, शैम्पू, बॉडी वॉश एक्सेट्रा। दिस रूम विल कॉस्ट यू अराउंड ₹6,000 पर नाइट विद ब्रेकफास्ट। सो ऐसे नाइस सी, यू कैन सी कॉटेजेस लगे हुए हैं एंड दिस रोड इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। पूरा रोड इज लाइंड बाय कोकोनट ट्रीज, ऐसे आप देख सकते हो पूरा स्ट्रीट एंड चारों ओर इसके कॉटेजेस है। तो अभी हम जाएंगे देखने गार्डन फेसिंग कॉटेजेस। बाहर बैठने का अरेंजमेंट है। दिस इज आवर कॉटेज, द कॉटेज नंबर 62। सो नाउ वी विल गेट इनसाइड एंड दिस इज आवर कॉटेज। ये रूम थोड़ा वहाँ कासा ग्रैंड से, दिस इज बिगर इन साइज। सो दिस इज अ बेड, टू वुडन बेड साइड टेबल्स। देयर इज एन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर बेड दैट वी डोंट नीड। हियर इज अ टीवी। यहाँ पे टी कॉफी मेकिंग फैसिलिटीज है, वाटर बॉटल भी है। This is a place for luggage. This is the mirror, the cupboard, and here's the washroom. देखिए यहाँ पे जो latch है ना, that is also wooden. So this is the washroom. This is the mirror. यहाँ पे भी इन्होंने toiletries वगैरह रखा हुआ है. और इस angle से this is how the room looks. कलर इज लाइट ब्राउन, वॉल्स का कलर लाइट ब्राउन है, लाइट्स थोड़े से डिम है, आई थिंक दैट्स द इशू। एसी थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ठंडा होने में, अदरवाइज द रूम लुक्स प्रीटी नाइस। दिस गार्डन कॉटेजेस विल कॉस्ट यू अराउंड ₹8,000, दैट इंक्लूड्स वन नाइट स्टे प्लस ब्रेकफास्ट। बट हमने ये बुक किया था एक स्टील डील में, जिसका डिटेल्स मैं शेयर करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द रेस्टोरेंट्स ऑफ सिम्फनी पाम्स। सो सिम्फनी पाम्स हैज 3 मेजर रेस्टोरेंट्स, स्टार्टिंग विद बुद्धा गार्डन, जो ये आउटडोर एरिया है, वहाँ पे दे सेट अप एन ओपन आउटडोर रेस्टोरेंट कॉल्ड बुद्धा गार्डन। देन दे हैव द पॉपुलर चारकोल, जहाँ पे हम करने वाले हैं कल ब्रेकफास्ट। देन दे हैव वेनम लाउंज एंड बार, जहाँ पे आप आ सकते हो इन द इवनिंग फॉर अ रूफटॉप सनडाउनर एक्सपीरियंस विद म्यूजिक। लेटर इन द वीडियो यू विल सी हाउ दीज प्लेसेस लुक इन द इवनिंग, और मैं ब्रेकफास्ट स्प्रेड भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब हम आए हैं रोड की दूसरे साइड, तो यहाँ पे तो इस साइड में जो कॉटेजेस है, सो दीज कॉटेजेस आर नियर द बीच। सो दिस इज वो दिख रहा है बीच एंड ये लाइन से इस साइड में कॉटेजेस है एंड देन अगेन ये भी पाथवेज अडॉर्न्ड विद कोकोनट ट्रीज। दैट्स हाउ इट लुक्स, इजंट इट ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। स्टे एट दीज कॉटेजेस विल कॉस्ट यू अराउंड ₹10,000, व्हिच विल इंक्लूड ब्रेकफास्ट। गोविंद नगर बीच, जो हमारा होटल सिम्फनी पाम्स के सामने से डायरेक्टली इस बीच को आप एक्सेस कर सकते हो। ये लंबा स्ट्रेच ऑफ बीच जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, दिस इज गोविंद नगर, और आगे जाके यही विजयनगर बीच के साथ मिल जाता है। ये तो एक प्राइवेट बीच जैसा ही है, बिकॉज यहाँ पे जो होटल में स्टे कर रहे दे कैन एक्सेस दिस पार्ट ऑफ द बीच। बाकी गोविंद नगर में जितने यहाँ पे बीच रिसोर्ट्स है, वहाँ से आप ये बीच एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे बोट्स भी रखे हुए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स भी आप यहाँ पे खींच सकते हो।
शाम को देखिए ये सारे रेस्टोरेंट्स कितने ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड कलरफुल लग रहे हैं। पूरा एरिया इन्होंने लाइट से बहुत सुंदर से सजाया हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा था। साथ में दे हैव प्लेड सम म्यूजिक मेकिंग द प्लेस मोर लाइवली एंड हैपनिंग। रात को बीच पे दे डू अरेंज फॉर कैंडल लाइट डिनर इफ़ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर दैट एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो अगर आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हो या हनीमून पे हो या इफ़ यू वॉन्ट टू गो ऑन अ रोमांटिक डेट, देन जस्ट लेट देम नो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे टू इन हैवलॉक। आज थोड़ा सा रेस्ट लिया हमने, थोड़ा लेट उठे हैं, अभी जा रहे ब्रेकफास्ट के लिए। शुरू करेंगे आज हमारा दिन। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगी सिम्फनी पाम्स में चारकोल में ब्रेकफास्ट कैसे। ब्रेकफास्ट में स्टार्टिंग में था सम मिल्क, सम कॉर्नफ्लेक्स एंड चोकोस, फॉलोड बाय अ ब्रेड सेक्शन, देन देयर वाज सम कट फ्रूट्स, बॉइल्ड एग्स, दे आल्सो हैड लाइव काउंटर सर्विंग ऑमलेट, हाफ फ्राइड एग्स एटसेट्रा, देन दे हैड एन इंडियन सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ पोहा, उपमा, आलू पराठा, अचार चटनी वगैरह तो था ही। साउथ इंडियन में दे हैड इडली, लाइव काउंटर में डोसा उत्तपम भी ये लोग बना के दे रहे थे, देन दे हैड सम फ्रूट जूसेस, टी, कॉफी एटसेट्रा। अब बात करते हैं हमारे पैकेज के बारे में। हमने यहाँ पे 2 नाइट स्टे बुक किया था एट ₹11,000 विच इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट। था ना ये स्टील डील? Time to check out from Symphony Palms. It's a good time to give a final review of the hotel. तो अगर होटल की मैं बात करूँ तो location wise it's perfect. It's perfectly located at Govind Nagar Beach, accessible from all places. तो location में fantastic. Hospitality and service very good. जो भी हमने मांगा है वो हमें properly time पे मिल गया है. तो in that case it's very good. Food. Now food के मामले में I would say it's okay. It could be better, but जो रेस्टोरेंट का स्टाफ था फुल मार्क्स टू देम फॉर देयर सर्विस। डेकोर एंड कंफर्ट की बात करें तो इट्स फैंटास्टिक। वुडन कॉटेजेस है, इसके जो कॉटेजेस है उसके लोकेशन भी बहुत सुंदर है, सराउंडेड बाय कोकोनट ट्रीज, और जो बीच फेसिंग कॉटेजेस है वो तो और बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड है, उसके सामने हार्ट्स बोट वगैरह है तो बहुत अच्छा लगता है। प्राइवेट बीच एक्सेस है तो दैट वे इट इज़ वेरी नाइस। सो कम्फर्ट रूम्स आर ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल, बेड्स, लिनन, टॉवल्स, एवरीथिंग वॉज क्लीन, और जितना हमने मांगा था उतना दे हैव प्रोवाइडेड। सो कम्फर्ट एंड डेकोर के मामले में भी फुल मार्क्स टू सिम्फनी पाम्स। एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो इट कैन बी अ लिटिल बेटर। इट डजेंट हैव इट्स ओन स्विमिंग पूल, आयरन एंड हेयर ड्रायर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द रूम, वो ऑन डिमांड मिलता है तो थोड़ा आयरन वगैरह मिलने में हमें टाइम लग गया। तो एमिनिटीज़ में डेफिनेटली इट कैन इम्प्रूव। प्लस हमारे रूम के आगे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, सो दैट वॉज ऑल्सो लिटिल डिस्टर्बिंग। बाकी सिम्फनी पाम्स अ गुड स्टे, गुड लोकेशन, गुड एक्सपीरियंस। तो चलिए आज का वीडियो यही तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।